नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उस अध्याय के चलते विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। खैर, विपक्ष है तो यहां पर आरोप प्रत्यारोप बयान का दौर तो चलता रहेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ही कुछ ऐसी हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश ही क्या, केवल केवल देश की राजनीति ऐसी हो चुकी है। अगर अच्छाई कर रहे हैं तो उसका समर्थन भी नहीं करेंगे और बुराई का यहाँ खुलकर विरोध होता है। खैर, यहां पर नए अध्याय की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गंगा बिलास क्रूज की आज शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके अलावा वाराणसी में गंगा टेंट सिटी की शुरुआत की। दोनों ही अगर बात कहें तो ऐतिहासिक पल क्षण, इसलिए क्योंकि जिस तरह से देश में रोजगार को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती है, पर्यटन को लेकर बातें होती, धार्मिक स्थलों को लेकर बात होती है, तो यहां पर सभी चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया है, यानी पर्यटन भी, रोजगार भी और धर्म व्यवस्था भी। भाई, धर्म बिना तो तमाम चीजें नगण्य है अगर आप किसी में प्रति आस्था नहीं रखते हैं। खैर, आस्था का अलग विषय है, पर यहां पर जिस तरह से गंगा बिलास क्रूज की आज शुरुआत की गई है, बहुत बड़ा क्रूज और विश्व का सबसे बड़ा रबर क्रूज, 60 मीटर लंबा और लगभग 12 मीटर चौड़ा, 18 स्वीट और एक साथ बड़ी संख्या में यात्री यात्रा कर सकते हैं। 80 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यात्रा का खर्च भी थोड़ा ज़्यादा है, पर निश्चित रूप से इतना ज़्यादा भी नहीं, लोग इसको बाहर कर सकते हैं। जो हमारे पर्यटक हैं, जो बाहर से आते हैं, जो वास्तव में चाहते हैं भारतीय संस्कृति को देखना, भारतीय धरोहरों को देखना, भारतीय व्यवस्थाओं को देखना और भारत के सौंदर्य को देखना, प्राकृतिक सौंदर्य को देखना, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए सबसे बेहतर एक माध्यम साबित होने वाला है। शुरुआत हो गई है, 31 स्वीस पर्यटक आज में सवार हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आज शुरुआत कर दी, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। और जिस तरह से यहाँ पर एक प्रकार से रोजगार की व्यवस्था और जो एक पर्यटन की व्यवस्था को यहाँ पर नए सिरे से शुरू किया गया है। अब तक हमारे देश में अगर बात करें तो मालवाहक व्यवस्थाएं जहाज चलते रहे हैं, पर वो भी देश और विदेश के बीच में, पर यहाँ पर जिस तरह से हमारे नदियों के बीच, यानी 5 राज्यों में 27 नदियों से गुजरेगा और भारत बांग्लादेश की तमाम सीमाओं को देखते हुए एक क्रूज सफर तय करेगा और वहाँ पर तमाम भारतीय ऐतिहासिक धरोहर और राष्ट्रीय उद्यानों और राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ रूबरू होता ये क्रूज निकलेगा, जिसमें हमारे जो पर्यटक रहेंगे वो समझेंगे भारतीय संस्कृति को, भारतीय व्यवस्था को, भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य को और यहाँ के विचारों को भी, क्योंकि जब लोगों से मिलेंगे तो विचार भी जानेंगे कि विचार होते क्या है। पर इसके साथ यहाँ पर जिससे विपक्ष हमलावर हो गया, अखिलेश यादव का कहना है कि इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं नाविकों का रोजगार छिन रहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धर्म स्थलों से पर्यटन को जोड़कर यहाँ पर पैसे कमाना ये भी निंदनीय है। अब धर्म स्थलों में अगर वहाँ पर पूजा सामग्री बिकती है या लोग उसका उपयोग करते हैं तो वो निंदनीय कैसे हो गया? भाई, लोग धर्म के स्थल पर जाते हैं, वहाँ पर सैर भी करते हैं, टहलते भी हैं और वहाँ पर जो प्राकृतिक व्यवस्थाएँ हैं, सौंदर्य, उसका लाभ भी उठाते हैं और अपने मन को शांत भी करते हैं। फिर इसमें गलत क्या है? अगर रोजगार मिल रहा है पर्यटन को, बुद्ध को यहाँ पर अगर चार चांद लग रहे हैं तो दर्द किस बात का? खैर, एक बयान सोचे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 1600 से अधिक नाविकों को उनकी परंपरागत नावों को, जो कभी डीजल से या मैनुअली वे लोग चलाते थे, हाथ से चलाते थे, सीएनजी का किट उपलब्ध करा करके, इंजन सहित किट उपलब्ध करा करके आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक भी नाविक ऐसा नहीं कि जो पहले की तुलना में कई गुना एक ही सीजन में वह पूरे वर्ष भर की कमाई कर दे रहा है। और मैं देख रहा था, मैं कल से स्वयं भी देख रहा हूं, इससे पहले भी, और देव दीपावली के अवसर पर भी मैं देखता रहा हूं, हजारों की संख्या में नाविक आकर के आज अपनी आजीविका नमामि गंगे परियोजना की सफलता के साथ अपने स्वावलंबन की एक नई कहानी को कह रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, काशी के सभी उद्यमियों, नाविकों और गंगा जी को अपनी आजीविका के साथ जोड़ करके अर्थ गंगा की इस नई परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है जब
विकास हो रहा है, व्यवस्थाएं बढ़ रही, पर्यटन बढ़ रहा है, अगर यहां पर आमदनी के साधन बढ़ रहे हैं तो फिर विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है? यानी अगर क्रूर चल रहा है तो विपक्ष का बयानी जो विरोध है, बयान है, क्यों आ रहे हैं? चर्चा विषय हमारे मेहमान जुड़ चुका है रूबरू करूं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आप से प्रतपाल सिंह सलूजा भाई अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार में सुनील त्रिपाठी जी अपना पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में जे के सिन्हा भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा नेता भाजपा से रहेगा। केसी भाई, यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक क्षण है और निश्चित रूप से यहाँ पर 60 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा ऐतिहासिक गंगा विलास क्रूज, तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ, जिम, स्पा, लाइब्रेरी, ओपन स्पेस और तमाम तरह की जो अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं एक अच्छे 5 स्टार होटल में, 5 सितारा होटल में सारी सुविधाएं इस क्रूज पर दी गई हैं। खर्च भी ज्यादा है, प्रत्येक दिन का 50,000। अब खर्च क्या है वो तो खैर मेरे ख्याल से 30 पर्यटक इसमें समार हुए हैं और वो इसमें फिलहाल अभी यात्रा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं ऐतिहासिक क्षण को? विपक्ष जिस तरह से इस पर एक प्रकार से आरोप विरोध कर रहा है उसको देखिए। जी जी जी, देखिए गौरव जी, जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जी जो भी अच्छे काम किए जाते हैं, अच्छा, और उनकी आलोचना केवल विपक्ष आलोचना करने के लिए आलोचना करता है। अच्छा, ये जो क्रूज उतारा गया है, हाँ, गंगा विलास के नाम से जिस योजना का उद्घाटन किया गया है आज जी, और जिस प्रकार से कई सारे प्रदेशों से होते हुए और ये बंगाल को छूते हुए फिर उसके बाद में आसाम होते हुए वापस ये यात्रा होगी और 50-51 दिनों की यात्रा है और इसमें जो यात्री हैं वो एक दिन की भी यात्रा कर सकते हैं, पूरे यात्रा का पैकेज का भी लाभ ले सकते हैं। एक दिन की यात्रा का बताया जा रहा है कि करीब 25,000 रुपए का खर्च है और आप चाहे तो पूरे 51 दिनों की यात्रा कर सकते हैं। देखिए अभी जो उसमें क्रूज को लेकर के बातें जो हो रही हैं, अब देखिए कितनी लाभकारी और कितनी लोकप्रिय योजना है। अच्छा, बताया जा रहा है, जानकारी ये मिल रही कि 1 साल के लिए बुकिंग हो चुकी है। अच्छा, पूरे 1 साल के लिए इसमें जिन लोगों को यात्रा करनी है स्टेप बाय स्टेप और 80 लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं और इसमें अभी 32-33 लोग इसमें अभी पर्यटक हैं जो यात्रा कर रहे हैं और इसमें स्विट्जरलैंड के भी हैं, बाहर के भी हैं 1-2 लोग। तो कुल मिला करके देखिए अगर जो हमारे खास करके NRI हैं, जो हमारे लोग बाहर विदेशों में रह रहे हैं, अगर वो भारत देश की झलक देखना चाहते हैं और वो जो पैसा खर्च करेंगे वो पैसा कहाँ आएगा? भारत में पैसा आएगा। अच्छा, और फॉरेन करेंसी हमारे पास बढ़ेगी, साथ ही साथ भारत देश की जो एक सांस्कृतिक झलक है अगर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है बाहर के लोगों में तो इसमें दिक्कत किसको किस बात की है। अच्छा, और देखिए जो जो ये जल यात्रा है और जलयान के द्वारा जो यात्रा सुलभ कराई जा रही है तो ये देखिए भारत से अगर आपको कहीं बाहर जाना है, समुद्री यात्रा करनी है, इसको तो हम लोग खूब सुनते थे और छोटी यात्राएं भी नावों से आसपास लोग केवल पार्टनर के रूप में थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए करते थे, वो भी हम लोगों ने देखा सुना, उसका आनंद भी हम लोगों ने लिया। लेकिन अगर ये 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दे करके, और ऐसा नहीं कि केवल क्रूज पे ही आपको बैठे रहना है, क्रूज जहां जहां पे जाएगा वहां वहां पे लोग उतरेंगे, आसपास भी घूमेंगे, तो आसपास के जितने क्षेत्र हैं, इतने प्रदेश से होकर के यात्रा गुजरेगी, वहां पे जाहिर सी बात है लोग कुछ खरीदारी भी करेंगे, लोग वहां की चीजों का आनंद भी लेंगे, हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो अगर उस पूरी संस्कृति का प्रचार प्रसार के साथ साथ जो हमारे लोग पर्यटन क्षेत्रों में जो लोग बैठे हुए किसी न किसी चीज की कोई शॉप खोले हुए, दुकान खोले हुए, कोई चीज ऐसी है जो सजावट की चीजें हैं, तमाम सारी और चीजें हैं, अगर उन चीजों का, उन लोगों का अगर काम धंधा बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है और साथ ही साथ भारत देश की जो संस्कृति है इसका इसकी झलक लोग लेकर के जो जाएंगे और बाहर जो हमारे देश का नाम होगा कि पहले भारत देश ऐसा हुआ करता था, आज ऐसे है, और उसको प्राचीन संस्कृति से भी तमाम सारी चीजें उसमें जोड़ी गई और किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इन चीजों का विशेष ख्याल उसमें रखा गया। अच्छा। तो और ये अगर योजना शुरू हो रही है, इस योजना से खास करके फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और तमाम सारे लोग तो
क्रूज देखने के लिए वहां पर जाएंगे। अच्छा। इतनी तारीख को वहां पे क्रूज पहुंच रहा है। आसपास के पर्यटक जो है, आसपास के जो लोग हैं, जो 10-5 जिलों के लोग हैं, वो वहां पर उस क्रूज को देखने के लिए भी जाएंगे। अच्छा। कि वहां पे कैसे है क्या है। तो ऐसे में जो आसपास के लोग पहुंचेंगे जिलों में, जहां जहां जिन जिन जिलों के जिन जिन नदी के तटों पे जाकर के रुकेगा क्रूज, वहां भी बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को, वहां भी लोग पहुंचेंगे। पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं कि लोग पहुंचेंगे देख करके केवल वापस आ गए। जब जाएंगे वहां पे तीर्थस्थल पे जाएंगे, यात्रा करेंगे, कुछ खाने पीने की चीजें भी खरीदेंगे, कुछ और चीजें खरीद करके अपने साथ लोग ले जाएंगे, यादगार के लिए लोग चीजें ले जाते हैं। तो जो पर्यटन है, जहां जहां पे भी क्रूज जाएगा, जिस प्रकार से एक साल की बुकिंग पहले से हो गई है, ये बता रही है कि कितना लोकप्रिय प्रोजेक्ट ये है। और इसकी तो सराहना होनी चाहिए, सराहना करने के बजाय इसकी भी आलोचना हो रही है। अगर आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो लोग पर्यटन जुड़े उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार में बढ़ोतरी होगी, और ये लगातार यात्रा चलेगी, 51 दिनों की यात्रा है, 51 दिनों के बाद ये वापस आएगा, फिर ये वापस जाएगा, और ये पूरी की पूरी आने जाने की यात्रा जब एक साल के लिए पहले से बुक हो गई है, तो इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई कि धार्मिक स्थलों से जो है पैसा कमाना निंदनीय है, भाजपा की नीति खराब है? नहीं नहीं, देखिए बात ऐसा नहीं है कि कोई स्मगलिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं कि शराब सिगरेट गांजा बेच करके कोई पैसा कमाया जा रहा है। ये तो देखिए ऐसा है कि हमारे जो पर्यटन क्षेत्र है, हमारे जो धार्मिक स्थल है, हमारे धार्मिक स्थलों को जब लोग यात्रा के लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छी भावना लेकर के जाते हैं। लेकिन जब वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो क्या होगा, आसपास के लोगों को उसको तरक्की का रास्ता मिलेगा। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पर्यटक, उन्होंने ये कहा काशी लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए आते हैं, भोग विलास के लिए थोड़ी ना आते हैं, तो आप इस तरह की व्यवस्था क्यों? नहीं, बिल्कुल देखिए उनका, उनके श्री अखिलेश यादव जी के प्रश्न में ही उनका जवाब छुपा हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो जो प्रश्न कर रहे हैं वो अपने आप में जवाब है। अच्छा, जब आध्यात्मिक दृष्टि से लोग वहां पे यात्रा करने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल मंदिर तक होकर के वो चले आते हैं। अच्छा, वो मंदिर भी गए, दर्शन भी किए, जिनको सिर्फ इतना काम है वो मंदिर तक होकर के आ सकते हैं, जिनको आसपास के जो है, देखिए प्रकृति भी अपने आप में एक मंदिर है, प्रकृति का भी लोग आनंद लेते हैं। अच्छा, और गंगा तो माता है। अच्छा, गंगा माता, हमारी गंगा माता, और वहां पे अगर गंगा के माध्यम से जो है एक तीर्थ यात्रा से दूसरी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें तो लगता है जो लोग आध्यात्मिक रूप से वहां पर दर्शन करने जा रहे हैं उनके लिए और ज्यादा सौभाग्य की बात है कि अपना सफर गंगा की गोद में तय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है किराया इतना महंगा है कि आम आदमी की बस की बात नहीं है। खैर, ये बात भी सच है। नितिन भाई, कैसे आप कैसे देखते हैं जिस तरह अखिलेश जी ने इस पर एक बयान दिया कि धार्मिक स्थलों को आप पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं, भाजपा की नीति खराब है, लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए आते हैं, भोग विलास के लिए नहीं आते हैं, और केसी भाई के बयान पे क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी, धन्यवाद, आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है जी। और केसी भाई ने तो पूरी तरीके से इसको गुमराह किया है। गुमराह क्या, तारीफ कर रहे थे भाई, तारीफ भी होंगे तो। अब मैं बता रहा हूँ, फिर आपने करीब 10 मिनट केसी भाई को दिए, तो 1 मिनट तो बोलने सेंटेंस पूरा करने को। आप भी बोलिए भाई, मौके पे जब जवाब नहीं आएगा तो फिर आप प्रश्न पूछिएगा। जी बोलिए, फ्लो ही बिगाड़ देते हैं आप लोग तो। जी जी बोलिए। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है कि उसका नाम ही पहले सुनिए, उसका क्या नाम है, गंगा विलास। और जहां भी विलास भोग की बात हो जाए, अच्छा, इसका मतलब वो आम जनमानस से दूर की वस्तु हो गई। अच्छा, भोग विलास की वस्तु जो होती है वो एक क्लास होता है। अच्छा, वो उस क्लास के लिए है। अच्छा, इसका नाम है गंगा विलास। अच्छा, और ये कहां निकलेगा? हाँ, ये बनारस से चला है। अच्छा, बनारस के लिए नहीं है। अच्छा, बनारस के लोगों के लिए नहीं है, बनारस के लिए नहीं है, आम जनमानस के लिए नहीं है। अच्छा, बनारस से ये चलेगा। अच्छा, और 3200 किलोमीटर की यात्रा करता हुआ डिब्रूगढ़ जाएगा। जी, ठीक है जी। और इसकी जो कास्ट है वो 13 लाख रुपए है। हाँ, किराया है जो इसका, ठीक है, इसका 13 लाख रुपए किराया है, 51 दिन की यात्रा है जी। अब इससे आप समझ लीजिए कि किस क्लास के लिए है जी। ये कोई बनारस के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, छोटे गरीब आदमी के लिए नहीं है जो उसमें बैठ कर इसके क्रूज का क्रूज का मजा ले लेंगे। अच्छा, एक बात ठीक, जो इसको बड़ा पोपो गड्ढा किया जा रहा है, इसका बड़ा माहौल बनाने की कोशिश हो रही। अच्छा, सॉरी, एक मिनट, बिल्कुल। तो है क्या ये कि ये इसका नाम है गंगा विलास, समझ गए आप? और ये किसके लिए है? जिसकी हैसियत
51 दिन के अंदर 13 लाख रुपए खर्च करने की, वो ये तो किराया हो गया, और जो किराया 13 लाख रुपया देगा वो उसके ऊपर क्या करेगा खर्चा, तो वो पूरा भोग विलास के लिए क्लास है। और ये जिस लोगों को दिया गया है इस कंपनी को, और ये अपना उससे पैसा कमाया, कुछ उनके मित्र मंडली के जो लोग हैं वो लोग इस क्रूज से व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इसमें इतना कौन सा बड़ा और जन कल्याण का काम था कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको हरी झंडी दिखाएंगे, बनारस को बड़ी सौगात दे दी जाएगी, इससे बनारस का पर्यटन डेवलप हो जाएगा, या बनारस का जो धार्मिक क्षेत्र वहाँ कोई बहुत बड़ा उपकार परोपकार होने जा रहा है। तो इसको पहले गौरव जी नजरिए से देखना बंद कर दे, भारतीय जनता पार्टी इसमें कौन सा क्रेडिट लेने जा रही है, और जन कल्याण का कौन सा यह मुद्दा है कि इससे उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को उसमें रोजगार मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ होने नहीं जा रहा है। अभी तो प्रदेश में रहते हैं, अच्छा ही हुआ, तो खैर तारीफ कर दी थोड़ा सा, अभी तो प्रदेश में ही रहते हैं। मैं बिल्कुल तारीफ कर दूंगा, मैंने तारीफ तो कर दी ना, मैंने तारीफ कर दी, उसका नाम है गंगा विलास। अच्छा। जो भोग विलास के लिए ही है। अच्छा। और उस क्लास का जिसकी है लग्जरी क्लास, इसको सीधे सीधे कहीं लग्जरी क्लास, जो भोग विलास को अफोर्ड कर सकता है, ये गरीब आदमी के लिए नहीं है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है, ये हाई क्लास की का लग्जरी आइटम है, जिनको उसमें टूर करना, या बाहर से पर्यटन भी आएंगे तो पर्यटक भी आता तो वो बनारस घूमने आता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो बनारस में खड़ा रहेगा और एक घाट से लेकर 1700 मीटर घाट तक जाएगा और वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य दिखाकर वापस उतार देगा। अच्छा। ठीक है, जो यहाँ के लोगों का, हमारे जो नाविक है, अरे वहां के निषाद लोग है, जो नावों से वास्तविक सौंदर्य का दिखाते हैं बनारस का, कि अपने नाव बिठाते हैं, एक घाट से ले जाते हैं और सारे किनारे किनारे घाटों को दर्शन कराते हुए और लेकर के जिस तरीके से वो बनारस की संस्कृति से परिचित कराते हैं, इनका प्रमोशन करिए, इनको बढ़ावा दीजिए, इनकी नावों का स्तर बढ़ा दीजिए, इनको वो जो बोट ना होती मोटर वाली वो दिलवा दीजिए। अच्छा। तो इससे इनका रोजगार बढ़ेगा। अरे आपने एक क्रूज जो एक प्राइवेट कंपनी ने चलाया है, राज सिंह उसके जो ऑनर हैं उनको मिला है, अब वो यहाँ से बनारस से शुरू होंगे और डिब्रूगढ़ तक जाएंगे, कलकत्ता 3200 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 51 स्थानों पर रुकेंगे, 13 लाख रुपया उसका किराया है। अब इसको, इस पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, मुझे तो लग रहा है कि ठीक है किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किस तरह का काम भी नहीं, प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाते, ये तो एक प्राइवेट कंपनी का काम है। मेरे दो सवाल है, एक तो आपने मित्र मंडली की बात की, कौन से मित्र मंडली के लिए लाभ दे रहे हैं, दूसरा आप जाएंगे क्या क्रूज पर? भैया मेरी हैसियत नहीं है कि मैं 51 दिन में 13 लाख रुपए का तो किराया और प्लस हम आमदनी आईटीआर भरते हैं। अच्छा, हम साल भर का आईटीआर इतना देते हैं। अच्छा। जितने का उसका एक दिन की टिकट का किराया भैया, तो हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। अच्छा। आप जैसे भाई लोग अगर सुविधा उपलब्ध करा देंगे तो जरूर देख लेंगे। अच्छा, मित्र मंडली का नाम बता रहे थे, मित्र मंडली वो भी सुन ले थोड़ा सा जल्दी ताली जी। अब आप जानते हैं हम क्यों नाम चक्कर में क्यों पड़िए। अच्छा। कि उनके कुछ लोग भाई, हम दो, हमारे दो जैसे कुछ 8-10 लोग हैं। अच्छा। जो जिनकी ये स्थिति है। हाँ। उन्हीं को लाभ पहुंचाएंगे। अच्छा ये बताइए इससे किसको लाभ हो रहा है ये बताइए। अच्छा। मैं कैसी चैन से पूछ लूंगा, हमारे मित्र हैं, इससे बताइए इस क्रूज को बनारस से चलेगा, डिब्रूगढ़ तक जाएगा। ठीक, जो एक क्लास के लोग हैं वो 13 लाख रुपए खर्च करेंगे, 13 लाख तो उनका 20 लाख का पैकेज होगा। हाँ। भाई जो 13 लाख रुपए सिर्फ किराया देगा, इसके बाद में खाना खर्चा पहनना शॉपिंग जैसा बता रहे थे, जहाँ उठेगा वहाँ शॉपिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, 20 लाख रुपए का पैकेज जो 2 महीने में 2 महीने बार बार वो दे सकता है जोड़ दे उसके लिए। इसमें उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को लाभ मिलेगा, किसको रोजगार मिलेगा, जरा उसका बता दे मुझे। गौरव जी यही तो फायदा है। अच्छा। क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे हमारे जो भारत देश के रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं, तो इसका सबसे ज्यादा तो प्रवासी भारतीय आ रहे हैं जी। और अगर हम अपने देश की झलक जी, अपने देश की संस्कृति जी, अपने देश के पुराने बासिंदे लोगों को भी ना बता पाए जी, तो ये अपने लिए एक गर्व की बात है कि आलोचना की बात है? तो वो कहीं ना कहीं जो आलोचना की बात थी आज वो गर्व का विषय है कि कम से कम जो हमारे प्रवासी भारतीय बाहर रह रहे हैं उनको अगर हम इसकी झलक दिखा रहे हैं और साथ ही साथ फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है। अगर बात देखिए, ये जो नितिन जी बार बार बात कर रहे हैं कि 13 लाख रुपया किराया है, 13 लाख रुपया किराया है, हम क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा। देखिए जहां पर छोटे छोटे ढाबे होते हैं तो आप ये कह दीजिए कि भाई 5 स्टार होटल ही नहीं खुलना चाहिए, वहां पर कौन सा गरीब जाएगा खाना खाने।
जहाँ पे उसको 20 रुपए में पूरी सब्जी मिल जाती है, तो वहाँ तो 20 रुपए गौरव जी। लोग टैक्सी से भी चलते हैं, टेम्पो से भी चलते हैं, 10-20 रुपए किराया दे। अरे वो क्या किराया बहुत महंगा, नितिन भाई जा नहीं पाएंगे भाई, वो कह रहा है किराया बहुत महंगा, नितिन भाई नहीं जा पाएंगे। अरे भाई इसमें सरकार का कौन सा योगदान है, तो सरकार क्यों क्रेडिट लेने के लिए बलालाय घूम रही है? अरे कंपनी अगर प्राइवेट खुद है चलिए चलेगा, भारत देश की जो क्लास के लोग हैं 5 स्टार 7 स्टार सब कुछ यूज करता है, प्रवासी भारतीयों को उसके लिए जो सरकार क्यों बड़ी उपलब्धि लेकर के आए, उत्तर प्रदेश के लोगों का कौन सा कल्याण जा रहे हैं? ठीक है ठीक है, किसी भाई अभी आपसे बात लूंगा, अभी 50 साल पहले बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान भाई बधाई हो आपको, यहाँ पर बड़ा एक गंगा बिलास क्रूज वाराणसी शुरू हुआ है, डिब्रूगढ़ तक जाएगा और देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आम आदमी पार्टी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे ऐतिहासिक क्षण पर? गौरव भाई, अगर ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाती, अच्छा, जो आपको याद होगा कोरोना काल में जो मजदूर बिहार के, उड़ीसा के, अन्य प्रदेशों के, दिल्ली में या जगहों में फंसे हुए थे, अच्छा, तब के जो सांसद संजय सिंह जी अपने खर्चे के ऊपर, अच्छा, जो उनको खर्चा मिलता था एक पूरा पूरा जहाज उन्होंने बुक किया, और उन गरीब लोगों को जो रोड के किनारे जूता सीते थे, ठेलिया चलाते थे, मकान बनाते थे, उनको उसमें भरा और उनके सपनों के, जो सपनों का जहाज था उस पे बैठाया और उनके घर तक छोड़ दिया। संजय सिंह ने सोने सुटे भी किया है, बहुत लोगों ने किया भाई, समाज सेवा बहुत लोगों ने की उस समय। गौरव जी, नहीं, मैं सबको सलाम करता हूँ जो देश मातृभूमि के लिए अपना योगदान उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ दिया, उसको मैं सबको सलाम जी बिल्कुल। अभी आज की डेट में जिसकी इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, जहां पे देश के प्रधानमंत्री उस जहाज पे हरी झंडी दिखाते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी का है, अच्छा, वो क्रूज एक प्राइवेट कंपनी का है जिसपे देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने इंजन उपलब्ध करा दिया, CNG उपलब्ध करा दी और उसको CNG से हम चला रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पूरे जहाज का अगर आप अंदर का रूप देखेंगे तो 34 लोगों को रुकने की व्यवस्था है, 34 लोग अलग से क्रूज के रुक सकते हैं, 10-15 लोग अलग से रुक सकते हैं, कुल मिला के 70-80 लोग उसमें रुक सकते हैं, जिसमें से 50% लोगों का ही किराया आएगा। अच्छा, तो 13 लाख रुपए की बात आ रही है, वो 50% यानी 40 लोगों का ही किराया आएगा उसमें से। अच्छा, इसमें से पता नहीं कितनी रेवेन्यू हमारे देश में आ गया, जिसको केसी जैन साहब बता रहे हैं। आपको याद होगा कि लखनऊ में एक अपोलो अस्पताल का उद्घाटन था, आज से 5-6 साल पुरानी बात है, VIP रोड से लगा हुआ अपोलो अस्पताल है जी। उसके ठीक लगा हुआ एक अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है, वहां पे उससे तकरीबन मेरे ख्याल से 50 मीटर की दूरी पे अपोलो अस्पताल है जी। वहां पे देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी का उस प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन में आया था। अच्छा, आपने भी चलाया होगा अपने चैनल के माध्यम से, और पूरे लखनऊ में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे एक सरकारी एक प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन के लिए। उससे थोड़ी दूर पे एक अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है, लोक बंधु के नाम से जाना जाता है, लोक बंधु में वहां तक आज तक व्यवस्था वहां हार्ट की नहीं है, मरीज जाते हैं मर के बाहर आते हैं, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेती है अपोलो अस्पताल का। अच्छा, आज उसी तरह क्रूज जिस जो वो विलास के नाम जो क्रूज चलाया गया है जिसमें मात्र 40 लोगों का किराया आएगा और गरीब आदमी उस पे चल नहीं सकता, उस पे हरी झंडी प्रदेश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं। एक समय था जब DSNL डूबता चला जा रहा है तो पूरी तरह डूब गया, BSNL का जहाज ये चला नहीं पाए, अच्छा, और जियो का जाके उद्घाटन कर रहे थे और अखबारों में बड़े बड़े अखबारों में जियो बाहर का है क्या, फर्म कंपनी है जियो बाहर का है क्या, अरे प्राइवेट अरे अरे तो भारत का वो प्राइवेट कंपनी है ना सर। अच्छा, वो प्राइवेट कंपनी है, अरे है तो भारतीय है, तो भारतीय भाई, भारतीय तो है। BSNL किसका है? वो तो भारत सरकार का है,
और जियो भी है, वो तो भारतीय कंपनी। गौरव जी, जी मेरा एक बिजनेस है, आपका चल रहा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाए आपके। गौरव जी, योगी आदित्यनाथ जी आपके प्राइम चैनल को आके हरी झंडी दिखा, अच्छी बात है, दिखाएंगे हम भी तो उत्तर प्रदेश में भाई, हम चैनल है हमारा, क्या लगा के दाम दाम खड़ा किए ना सारा। गौरव जी तो सरकारी काम करते हैं जी, एक कंपनी भाई, जवाब लूंगा और जिस कोरोना काल की बात कर रहे थे, एक टाइम का जो पार्टी अपने मजदूरों को भोजन नहीं दे पाई, 20 लाख लोगों को राशन मुक्त देने का काम प्रदेश की सरकार ने किया, ना तो यहाँ सीजन दे पाए, आपके पास एक भी प्लांट नहीं, बिगड़ाते रहे, चले चले ठीक है, हो गया, बर्बाद किया। बाकी मेहमान भी है, बाकी मेहमान रिदर भाई की बात भी ले लेंगे, रिदर भाई भी आज गुस्से में है भाई, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात भी लूंगा भाई, बिल्कुल बात लूंगा, बुक में बच्चे भाई, चले ठीक है, हो गया पिपल भाई, हो गया ये धरातल नहीं है भैया, मेरी डिबेट है, ये जमीन नहीं, मेरी डिबेट है भाई, ठीक है थोड़ा रोड पे आना, शहर को दर्द हो जाए जनता के मुद्दों का, ठीक है चले ठीक है, चले ठीक है, पिंपल भाई, कैसी भाई, कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बोलते रहेंगे डिबेट समझ में नहीं आएगी, प्लीज ये तो वो बारी बारी बोलिए, मैं सबको मौका दूंगा बोलने का, कैसी भाई मैं सबको मौका दूंगा, ठीक है हो गया हमारे साथ समाज सेवी जे के साथ जुड़े हुए हैं, जगह भाई यहाँ पर अगर गंगा बिलास क्रूज शुरू हुआ है भाई, समाज सेवा है और निश्चित रूप से जनता के प्रतिनिधि हैं, कैसे देखते हैं आप भाई बड़ा ऐतिहासिक क्षण, देखिए गौरव, विश्व का सबसे बड़ा क्रूज, मैंने अभी सबकी बातें सुनी जी, सबको सुना, नितिन जी को सुना जी, और आप प्रवक्ता शिवपाल जी को भी सुना, ये पहले जो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है बिलास गंगा के नाम पे, अच्छा ये जो आपका ये जहाज चला है जी, ये है तो व्यापारिक जी, इसको सरकारी तौर पे जो देखा जा रहा है ये गलत हो रहा है, अच्छा जैसे कंफ्यूजन क्रिएट कैसे हो रहा है, भाजपा वाले कह रहे मान लीजिए मेरा, उन्होंने तो कहा नहीं मेरा है जी, बीजेपी सरकार ने तो कहा नहीं, ना मोदी जी ने कहा ना किसी ने कहा, ये कहा जा रहा है, ये गलत कहा जा रहा है। दूसरा चीज ये है कि इस पर ये बात ठीक कही उन्होंने नितिन जी ने कि इसका किराया जो वाकई में बहुत महंगा है तो ये आम जनता के लिए तो नहीं है, ये तो हम भी मानेंगे गौरव जी, आप भी नहीं जा पाएंगे। और दूसरी चीज अगर चलिए 15 लाख किराया मान लेते हैं चले जाता है, 51 दिन का सफर करेगा, 51 दिन वो अपना उस जहाज में व्यतीत करेगा तो काम धंधा क्या करेगा, वो काम धंधा क्या, 51 दिन वो जाएगा और 15 लाख खर्च करे, 15 लाख ये कह रहे हैं हम मान चल के 20 लाख पे लेंगे, अब 20 लाख पे में आदमी विदेश घूमने जाएगा, जो पर्यटक की बात कर रहे हैं कि बढ़ावा मिलेगा ये ठीक है कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन आगे जाके मेरे हिसाब से देखो व्यापार की ज्यादा बहुत अच्छी नॉलेज नहीं, लेकिन जितनी नॉलेज है यहाँ पे लोग उस चर्चा पे नहीं आ रहे हैं कि ये आज आपने बोला कि पूरे 1 साल की बुक हो गया, हमने मान लिया, मेट्रो भी यही कली गई थी कि बहुत बहुत सक्सेस हो गया, आज जाके मेट्रो हाल दे रही है, चल तो सब रहा है, चलने की बात ही गौरव जी बात सर चलने को वो ठीक है, मेट्रो रूट है वो नहीं कह रहा हूँ मैं, अब ये जो कह रहे हैं कि 1 साल की बुक हो गया ठीक है, आने हमको लगता है ये 2-3 साल बाद इसका जो क्रेज है ये हल्का हो जाएगा, अच्छा एक वजह, दूसरी वजह क्या है हल्का होने की, इसको मैं राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा रही बात, अभी मोदी जी के उद्घाटन की जो बात कर रहे हैं तो भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप टीवी चैनल खोले प्राइवेट है, उसमें आप मोदी जी को बुलाएंगे, हम योगी जी को बुलाएंगे उद्घाटन में, मैंने भी कई प्रोग्राम किए हैं, केशव मौर्या भी आए, विजय पाठक जी भी आए, तो उद्घाटन किया उन्होंने, एजेंडी दिखाई चले गए जी, इसमें मुद्दा क्या है, इसमें हरी झंडी दिखाने का मुद्दा क्या, हमें समझ नहीं आ रहा कि वो उन्होंने एजेंडी दिखाई और ये व्यापारी तो है, ये भी मैं मान रहा हूँ महंगा बहुत है, मैं नहीं व्यापारिक मुद्दा है ये मान सकता हूँ, लेकिन हरी झंडी दिखाने का कोई मुद्दा नहीं है। और दूसरी चीज अखिलेश जी ने कहा है कि ये व्यापार का वो लाभ ले रहे हैं धर्म के नाम पे या जो भी उन्होंने बोला, वो बात माने नहीं रखती है, माने ये बात नहीं, इससे नहीं माने रखती है कि मैं भी बहुत मंदिर जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मंदिर जाता हूँ, प्रसाद खरीदता हूँ, तो जो प्रसाद जिससे लेता हूँ मैं 2 पैसा लेता हूँ उसको मिलता है जी, तो उसमें व्यापार क्या, वो तो हम भी खरीद रहे हैं ना, घर में लड्डू खरीद के खाते हैं, बाजार खरीद के खाते हैं, मंदिर चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो पैसा देते ही है ना, तो वो व्यापारिक दृष्टि देखें चाहे ऐसे देख लें, धर्म के नाम पे पैसा खर्च कर रहे हैं या अपने घर के लिए खर्च कर रहे हैं या आपके लिए खर्च कर, आपके लिए मिठाई ला रहे हैं, क्रूज चला है ठीक है बढ़िया है, नहीं बढ़िया है गौरव जी बढ़िया है मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि आम जनता इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, अच्छा ठीक है। और दूसरी बात जो आज 15 लाख 13 लाख की बात जो कर रहे हैं,
15-20 लाख खर्च करके 51 दिन वो आदमी काम कौन करेगा, सब बड़े आदमी काम करेंगे, ये बात तो इत्तेफाक सकता हूँ, लेकिन इसमें राजनीतिक विषय मुझे नहीं लगता। कहा ही गया है बिलास है, 5 स्टार उसमें व्यवस्थाएं हैं, ये नहीं नहीं बीजेपी सरकार से मैं इतना कहना चाहूंगा, जो ये श्रेय लेना चाह रहे अगर हैं तो इसको टॉपिक को उठना ही नहीं चाहिए, ना इनको बोलना चाहिए ना अखिलेश जी को बोलना चाहिए। भाई ठीक है, 5 स्टार होटल क्या मतलब हुआ, 5 स्टार होटल खोल दिया तो खोल दिया, क्या दिक्कत है इसमें जी, उसमें इससे क्या मतलब कि कौन आएगा कौन नहीं, जिसके पास पैसा हो जाएगा जिसकी सरकार में वो तो उसका उद्घाटन नहीं, सरकार नहीं, सरकार का उद्घाटन तब मानता है, ये सरकार के पैसे से हो रहा होता, सरकारी उसमें हो रहा था, सरकार उसमें तो नहीं है ना ये। अच्छा ये जानकारी है गौरव जी? अच्छा सरकारी पैसे हो रहा है क्या आप बताइए? अच्छा सरकारी पैसे नहीं हो रहा है, हो रहा है आप बताइए, बताए जैन साहब से पूछता हूँ, जैन साहब क्या सरकारी पैसे से हो रहा है क्या ये, जैन साहब मेरी आवाज मिली है? देखिए नहीं नहीं देखिए देखिए उद्देश्य इसका ये है जी कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं खासकर जी, जी उनको भारत देश की संस्कृति, भारत देश के जो धार्मिक स्थल हैं जी और भारत देश की जो झलक है जी वो ठीक है। एक मिनट में दीदी अभी बात कर देता हूँ जी। संस्कृति के विकास के लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर के चला गया है जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत देश की पहचान, भारत देश की झलक, भारत देश की संस्कृति, अगर हमारे जो प्रवासी भारतीय वो अगर उस चीज को जानने समझने का उनको मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, और जो बात अभी नितिन जी ने कही है और जिन लोगों ने भी बात कही कि भाई महंगा है, तो अभी हमारे जो साथी आदरणीय वो जो बात कह रहे हैं कि भाई जिसके पास पैसा है, जो खर्च करना चाहता है, जो यात्रा करना चाह रहा है और जिसके पास 2 महीने का समय है वही करेगा, जाहिर सी बात है। जैन साहब मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये समय से वो बाहर है उनके लिए 2 महीना समय देना कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं है जी। वो तो भारत देश की संस्कृति को समझने के लिए, जानने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा भारत देश की सरकार जरूर कर दे रही है, इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही है और इसमें जिस भी प्रकार की चीजों की आवश्यकता है, वो चाहे एनओसी हो, चाहे उसको यात्रा को कराना हो या वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, ये सारे काम आपने जो बात कही, आपने जो बात कही कि भाई अगर उद्घाटन करने आती सरकार में अगर जो लोग हैं और किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना है तो इसमें दिक्कत क्या है, तो जाहिर सी बात उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? ये बात नहीं, और अगर हमारे देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है तो दिक्कत साहब दूसरी चीज ना बताइए, जो पूछे वो बताइए, क्या ये सरकारी प्रोजेक्ट पे बना है ये बताइए, खाली ये जानना चाह रहे हम। नहीं पैसा देखिए ऐसा है, कोई भी प्रोजेक्ट हो तमाम सारे प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से किए जाते हैं और ये सरकार का प्रोजेक्ट है ये अलग बात है कि इसका कार्यभार किसी कंपनी को दिया गया है वो अलग बात है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो सरकार का ही प्रोजेक्ट है कि किस प्रकार से देश की संस्कृति के बारे में हमारे बाहर के लोग प्रवासी भारतीयों को जाने उसको समझे। जैन साहब संस्कृति बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लोगों को जानना चाहिए ये भी बात ठीक है, हमारा सवाल आपसे है कि क्या ये सरकारी प्रोजेक्ट है? हाँ है सरकारी, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से इसको मूर्त रूप दिया गया है। नहीं है भाई, जो प्रोजेक्ट है माननीय बस यही पे सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकारी प्रोजेक्ट है, ये अलग बात है कि किसके माध्यम से। अच्छा तो अगर सरकारी प्रोजेक्ट है तो इसमें आप कह रहे हैं पैसा लगाया, आम जनता का फायदा कैसे होगा ये बताइए ना। पैसा लगाया नहीं नहीं देखिए आम जनता को फायदा क्या नहीं होगा, का पैसा लगाया अब आप देखिए आम जनता कैसे जाएगी, 15-20 लाख कौन खर्च करेगा, गौरव जी जाएंगे आप जाएंगे, टैक्स पेयर का पैसा लगा क्या इस पे। देख सिर्फ जाने से मतलब नहीं होता है, जाएंगे तभी तो व्यवहार होगा, तभी तो धंधा चलेगा, तभी तो रोजगार मिलेगा, जाएंगे तभी तो होगा सर, जाएगा तो चलेगा, प्रूफ कैसे चलेगा बिना जाए चलेगा। वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, देखिए जब 1 साल के लिए रूस की लोकप्रियता ये है कि अभी देखिए आप 10 साल की बात करें, 20 साल की बात करें, 100 साल की बात करें, 500 सालों की बात करें, उस बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 1 साल के लिए पूरा की पूरा क्रूज पूरा बुक हो चुका है तो ये एक सफलता है। दो चीजें क्या होगी, वो कितना लंबा प्रोजेक्ट होगा, आगे भविष्य में काम आएगा कि नहीं आएगा, ये तो देखा ही जाता है ना सर, ये तो देखा ही जाता है, और चीज तो देखा ही जाता है कितना प्रोजेक्ट चलेगा। सुनिए ये सिर्फ एक क्रूज नहीं है, एक क्रूज नहीं है, माननीय मोदी जी का ये प्रोजेक्ट है कि मालवाहक क्रूज भी इसी तरीके से और साथ ही साथ लोगों को जाने आने के लिए छोटे क्रूज और बड़े क्रूज भी इसकी सफलता को देखते हुए उतारे जा रहे हैं। अभी पहला क्रूज है, अभी पहला क्रूज है, आवश्यकता पड़ने वाला है, गौरव जी देखिए सवाल हमसे किया गया
अरे सुनील जी से सवाल ले लीजिए फिर आगे हम लोग बीच में बोल रहा है आपके वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही बार भाई एक बार बोलोगे क्या किया गया कि भाई आप लोग क्या प्रदेश का पटेल भाई सेंट्रल का पटेल भाई दो मिनट रुके दो मिनट अरे ये नशेड़ी पार्टी क्या बात करेगी जी इसको सिर्फ एक चीज का मतलब है गांजा कराओ गांजा बेचो पार्टी वाले बोलते हो अभी बेचो दारू बेचो पंजाब में क्या हो रहा है नशेड़ी पार्टी पंजाब में कौन सा व्यापार बंद हो गया नशेड़ी पार्टी को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो नशे में डूबे रहते हैं और जनता को नशे में डूबा देना चाहते हैं जनता का नंबर नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है जैसा पंजाब की बात ठीक है ठीक है हो गया ये व्यापारी बात बोल रहे हैं भाई ऐसे नहीं होगा मेरी डिबेट बात कर रहे थे भाई ऐसे नहीं होगा को बाहर के भगाया जो दिल्ली के विकास में भगाया गया बिहार के उत्तर प्रदेश नहीं चला पाए ट्रेनें नहीं चला पाए नरेंद्र मोदी का मुंह काला हुआ जब कोरोना में लोग गाली दे रहे हैं मुंह काला किया जिसे कहीं छपा मुंह काला हुआ नहीं हुआ कैसी बात कर रहे भाई आप लोग प्रधानमंत्री का मुंह काला नहीं होता है प्रधानमंत्री का मुंह काला हो गया अरे प्रधानमंत्री सबके कौन सा मुंह काला करने वाला काम कर दिया मुख्यमंत्री का हुआ था शराब के नशे में हवाई जहाज उतारे गए थे इसमें कोई नई बात नहीं है भगवंत मान जी शराब भाग लिए गए तो ऐसे दोनों जी उचित नहीं है ठीक आज में देख लीजिए आप प्रधानमंत्री काला कर रहे हैं ये उचित नहीं है प्रीतपाल जी जी आपके भगवान मान का मुंह सफेद हुआ था जब हवाई जहाज उतार दिए गए थे नशे में जी है अरे ऐसी आप ये पूरी बात सुन लीजिए मैं सुन रहा हूँ उस जहाज ने क्लियरेशन दिया था जी उसने पूरी दुनिया ने देखा हमने देखा पूरी दुनिया ने देखा सदा जी प्रीतपाल जी पूरी दुनिया ने देखा जनता पार्टी का और हुआ मत खाइए और नहीं हड्डी खाने से पत्रकारिता नहीं बढ़ती नहीं कौन सी बात है भाई ये कैसी बात है ऐसा है प्रीतपाल जी मालिश बात है जेल में मालिश कराने से पाप नहीं छिपते हैं समझ में आया जेल सरकार आपकी यहाँ मालिश कराएंगे शराब बेच के दुनिया देख रही है बहुत अच्छी तरह देख रही है वो मेरे कहने से नहीं है मीडिया भी देख रही है और आप पार्टी लोग भी देख रहे हैं कि आप जो मंत्री जेल में बैठ करके अयासी कर रहे हैं मालिश करा रहे हैं मसाज करा रहे हैं क्या यार आप प्रधानमंत्री वक्ता है आप अस्तर है रोटी खिलाई जाती है अच्छा पत्रकार अगर दिखाता है उसको जेल में भर दिया जाता है अच्छा वहाँ संसार होती है पत्रकारिता बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ बदनाम नहीं होती बहुत सही कह रहे हैं पीपा जी हाँ बहुत सही कह रहे हैं आप अरे अपने गिरेबान झांक के देखो कोरोना में केजरीवाल जी हाथ खड़े कर दिए थे यार क्या बात करते हो वो टाइम याद करो दुनिया ने देखा है कि दिल्ली में लोग कोरोना से कैसे मर रहे थे और केजरीवाल जी आपकी सरकार हाथ खड़ी कर दी यार सरदार जी वो दिन पूरी जनता देखी है मेरे कहने से नहीं हो रहा है दुनिया ने देखा लोगों ने देखा कि दिल्ली में क्या हाल है और आप दिल्ली में देख लीजिए कि वहाँ की क्या व्यवस्था है रखा है आप लोगों ने दम दाखिल कर दिया देश के साथ में बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री पूरे देश के आप दुनिया हमारे प्रधानमंत्री तारीफ कर रही है आप मुंह काला कर रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए यार डिबेट पे मर्यादित शब्दों का उपयोग करिए भाई आप प्रधानमंत्री मुझे सब पता है मुझे कुछ ना बताए मुझे कोई ना बताए कौन कितने पानी में देखिए सबका पता है कौन कितने पानी में डिबेट हो रही क्रूज पे क्रूज पे तो चर्चा अच्छा है हम लोग उसी पे क्या करना चाह रहे हैं बस एक मिनट हमको आप और दीजिए ऐसा है गुरु जी कि इससे दो फायदे हैं वो राजनीतिक भले रुचिया से कर रहे हों
नदियों से नदियों को जोड़ने की स्कीम आपने देखा है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी कि इससे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, जो हमारा खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्ट पे वो कम होगा। जब ट्रांसपोर्ट खर्चा कम होगा तो लागत कम आएगी और वस्तुएं सस्ती होंगी, सामान आसानी से मिल जाएगा। अच्छा ठीक, तो ये योजना थी चतुर्भुज योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसपे थोड़ा सा मोदी जी ने प्रकाश डाला है। और बनारस में खुद जाके देखा हूँ, गवाह हूँ इस बात का कि तटों पर देख लीजिए गंदगी नहीं है। हम नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, जो लोग वहां बैठे थे वो कह रहे थे कि कभी गंगा किनारे यहाँ आप चाय नहीं पी सकते थे भाई साहब, और आज एंजॉय ले रहे हैं, इतनी स्वच्छ गंगा वहाँ है। और उसके अलावा मैंने देखा गौरव जी कि वहाँ जो नाविक हैं वो बहुत खुश हैं। 90% मैंने कह रहा हूँ, आप जाके नेट पे देख लीजिए, आप जाके देखिए, बनारस कोई लंदन में नहीं है। बनारस के तटों पर अब वो नावे नहीं रहेगी जो यहाँ से चलाई जाती थी। हमने भी रात में 10 अश्वमेध घाट से लेकर 80 घाटों को दर्शन किया है, और जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ भगवान भोलेनाथ कृपा से मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतनी व्यवस्था इन लोग अच्छी हो रही है नाविकों की। नितिन भाई कैसे देखते हैं? नितिन भाई कुछ बोल रहे थे आप, बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे और कुछ बोलना चाह रहे थे। जी नहीं देखिए, सच बात यह है कि विषय अच्छा होता है तो बात करना अच्छा लगता है। हाँ। सार्थक बहस आप कराते हैं जी। दो बातें मेरी महत्वपूर्ण है इसमें जी। आप जो बार बार केसी जैन साहब हमारे कह रहे थे कि हाँ ये सरकारी प्रोजेक्ट है, सिन्हा जी ने पूछा था क्या ये सरकारी प्रोजेक्ट है, पहली चीज ये अंतरा लग्जरी क्रूज एक कंपनी है जी। उसके फाउंडर है राज सिंह जी, सीईओ, ये उनकी कंपनी का है कि प्राइवेट क्रूज है। ठीक, हो सकता है किसी के से बड़ी कंपनियां लोन लेके बनाती है, कैसे बनाती है विषय नहीं है। शुद्ध रूप से इसको यह कह सकते हो कि उसके उद्घाटन को प्रधानमंत्री जी ने झंडी दिखा दी, वो कंपनी अपना व्यापार करेगी, अपना प्रॉफिट कमाएगी, बात खत्म। इससे ज्यादा इस देश को, इस प्रदेश को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। ठीक है, बहुत स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है कि देश में लग्जरी सुविधाएं भी अच्छे लोगों के लिए होनी चाहिए। एक तो अगर इसकी अच्छाइयां देखी जाए भाई, तो चर्चा कर लो कि यहाँ से बनारस से जाएगा डिब्रूगढ़ तक, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायरमेंट लाइफ है, लग्जरी पैसा है, वो एक बार निकलेंगे, अच्छा देश का पूरा पर्यटन करना है, बहुत अच्छी बात है, इस पर सहमत हो सकता हूँ। अगर लेकिन इसमें सरकार अपने गाल बजाने लगी और केसी जैन भाई कहेंगे ये सरकार का प्रोजेक्ट है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, पैसा, इससे सरकार को एक पैसे का लाभ नहीं होने जा रहा है। अच्छा। मैंने इसलिए कहा था कि सरकार के मित्र को तो लाभ हो सकता है। अच्छा। और इस पर हम लोगों को डिबेट क्यों करना। अच्छा। भाई तो एक राज सिंह भाई ने अपनी कंपनी बनाई है, अंतरा लग्जरी कंपनी, अंतरा लग्जरी कंपनी का प्रधानमंत्री जी ने आज उसके प्रोडक्ट का उद्घाटन कर दिया, और जाए ताली बजाइए, खुश हो जाइए। इस पर हमें राजनीतिक पार्टियों को डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा। ठीक, क्योंकि ये ना सरकार का प्रोजेक्ट है, ना इसे कोई जन कल्याण हो रहा है, एक बात। अब इसके बाद में दूसरी बात कहना चाहता हूं कि देखिए ये राजनीतिक दलों में चलता है, भारतीय जनता पार्टी ही भाषा की शुरुआत खराब करती है। अच्छा। और फिर जब हमला होता है तो ये शब्दों की मर्यादा लोगों की टूटती है। अच्छा। केसी जैन भाई को इस पर आपके पैनल चैनल से मैं सलाह देता हूँ कि इसकी शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए कि नशेड़ी पार्टी। कोई पार्टी नशेड़ी नहीं होती है, कोई व्यक्ति नशेड़ा हो सकता है। ठीक, इसी का जवाब ये हो सकता था कि बलात्कारियों की पार्टी, बाथरूम में अपने नौकर के साथ सेक्स करने वालों की पार्टी, या आश्रम में मसाज कराने वालों की पार्टी। तो यहाँ से बातें बिगड़ती है भाई। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, बाथरूम में अपने नौकर के साथ सेक्स करते पकड़े गए, एक मंत्री थे अपने आश्रम में मसाज कराते पकड़े गए, तो कोई दारू या व्यक्ति हो सकता है खराब। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब बातें उठती है तो दूर तक जाती है, ऐसी बातों से बचना चाहिए। हम लोग बचते, अभी देखिए घटना हुई ताजी ताजी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से गलत बात शुरू की। फिर मैं गलती बात बोलने लगूंगा, आपको बुरा लगेगा, उत्साह मत मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, आगे शुरुआत गिरफ्तार किया क्या कोरोना काल में? मैं पूछ रहा हूँ, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अनर्गल भाषा से की, समाजवादी पार्टी के एक मीडिया सेल ने उसका जवाब दिया। हाँ। फिर जवाब तीखा हो गया। हाँ। तो आपने पुलिस को आगे किया, फिर ये किया। मैं पूछ रहा हूँ कि आप शुरुआत क्यों करते हो? आपने क्यों कहा नशेड़ी पार्टी? कोई पार्टी नशेड़ी होती है? ये विषय नहीं है। मैं कोई आम आदमी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे,
वो पुलिस भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। आपने शुरुआत की आपको जवाब मिलने लगेगा, आपको बुरा लगने लगेगा। आपने आपके अखिलेश यादव जी हो सकता है पार्टी में तमाम अच्छे बुरे कोई व्यक्ति नशा नहीं करता होगा, कोई और दुर्गुण दुर्गुण पाले होगा, तो ये बातें उनके निजी जीवन की होती है। आज क्रूर पर डिबेट हो इसके फायदे बता दीजिए, हमें समझ में आएगा तो समर्थन कर देंगे, समझ में आएगा विरोध करेंगे। गौरव जी आज के मुद्दे पे आइए, गौरव जी मेरा जवाब ले लीजिए। बोले 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 गौरव जी, जिस प्रकार से प्रीतपाल जी ने विषय का विषयांतरण किया, कोरोना काल पे लेके गए, और कोरोना काल पे जो लापरवाही जो अव्यवस्था आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में की, उसका हमने जवाब दिया कि किस प्रकार से आपने मजदूरों को वहां से भगाया। अगर मजदूरों को आपने भगाया नहीं होता तो 20 लाख नए राशन कार्ड मजदूरों के लिए नए जारी करने की हमको क्यों आवश्यकता आन पड़ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख नए राशन कार्ड बनाए, अब चलिए उस बात को छोड़िए, वही काम ये यहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ ही कर रहे हैं, यहाँ पे ट्विट ट्विट का बखान कर रहे हैं, वो विषय अलग है, बात हो रही क्रूज पे, और हमने उस पे पूरा आपको जवाब दिया जो आपने सवाल किया। और सुनिए जो चीज आप कह रहे हैं कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, अगर फॉरेन करेंसी आएगी यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा क्या? प्रवासी भारतीय यहाँ पर आएंगे और दो महीने की लगभग 2 महीने की 51 दिन की यात्रा करेंगे, तो क्रूज पे बैठे रहेंगे, क्रूज जिन तटों पे पहुंचेगा। और अभी अभी हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो नदियों को जोड़ने का काम काम हो रहा है 27 नदियों से होते हुए जाएगी ये क्रूज की यात्रा, 27 नदियों से होते हुए जाएगी। तो उत्तर दिया इनके बारे में लोग जानेंगे। हमारी देखिए संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए ही सरकारों को न जाने कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लोग पैसा खर्च करके भारतीय संस्कृति को जानने समझने आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको हम लोगों से अपनी बात आपको बताई, गौरव जी मेरा जवाब दीजिए, बाकी लोगों को चुप कर दिया एक मिनट के लिए, अच्छा चुप करवा दे जवाब दीजिए। शराब नहीं मिलेगी, नशा नहीं मिलेगा, गांजा नहीं मिलेगा, ये आपको पता है कि सीजन साहब 5 स्टार सारी सुविधाएं उसमें मिलेंगी। अच्छा उसमें शराब भी परोसी जाएगी, नहीं उसमें सिगरेट भी परोसी जाएगी, उसमें आपको पता है आपको दे दिया जाएगा क्रूज पे, क्रूज पे ठेका ले रही है आवाजी पार्टी की सरकार, देश एक चवन्नी नहीं लगी, पार्टी साफ कर पा रहा है, ठेका चाहिए क्या आपको जैन साहब, आपके मुख्यमंत्री आपको ठेका चाहिए वहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी ने कहीं कुछ नहीं कहा, कहा कि कहा बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जवाबी तो लैंडिंग बाथरूम भी बनाए, सुलभ शौचालय कर लीजिए ना, करोड़ों रुपए सुलभ शौचालय ठेका ले लीजिए आप, नवाबी गंगे का बुरा हाल है, ठेका ले लीजिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आपने बीच में डाल दिया, अच्छा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि देश की सभी नदियों को जोड़ो, क्या मोदी जी ने जोड़ा किसी एक नदी को? अच्छा ठीक है सुनील त्रिपाठी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये नहीं जोड़ पाए सुनील त्रिपाठी, कोयला हिंदुस्तान से ना खरीद कर विदेश से खरीद कर उत्तर प्रदेश से बिजली का भाव बढ़ाने जा रहे हैं, ये कहेंगे आज ये ऐसे लोग हैं राइफल से लड़ी है देश में, 3 हजार क्यों ले आए भाई, धन के हिसाब से कोयला मिल रहा है, अरे प्रताप जी मेरे एक सवाल के जवाब दे दीजिए यार, राइफल से काम चल जाएगा, प्रताप जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, गौरी में यमुना को आपने साफ कर दिया, किसी जान जी मुझे एक एक सवाल का जवाब देना, श्रीपाल जी प्रीतपाल जी आप सुनने के प्रयास कीजिए, मैं डिबेट में जब बैठता हूँ आप साथ आप सुनने के प्रयास नहीं करते हो ना आपकी पार्टी सुनने के प्रयास करती है, अरे भाई सुन लीजिए जरा, पत्रकार कुछ बोल रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुनील जी को क्या बताओ, वो तो पत्रकार है, ये बताएंगे कैसी जनता, अरे भाई मैं एक सवाल कर रहा हूँ प्रीतपाल जी आपसे, 4200 अरे सुनिए तो भाई आप यहाँ बैठते हैं सुनते ही नहीं मेरी बात, मुझे ये बताइए कि दिल्ली में यमुना को आपने साफ कर दिया, भूल गए होंगे दिल्ली में यमुना आती कहां से, ढेर लगे हुए हैं, सुनील जी आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, जो बात निष्पक्ष कह रहे हैं पक्ष वाली बात नहीं है, मैं बनारस में गंगा को देख के आया हूँ, गंगा गंगा लग रही है, और दिल्ली में यमुना को देख के आया हूँ, यमुना का हाल देखिए क्या है, और कितने कूड़े ढेर लगे हुए हैं, सुनिए इस बार जवाब दीजिए हमको, कितना यमुना की गंगा है, वहाँ करने की बात हुई
निर्मल गंगा की जाएगी 4200 करोड़ रुपए लग गया। अच्छा कितने किलोमीटर की यमुना जी को आपने कब साफ किया? ये यमुना जी कितना खर्चा किया है आपने बताइए हमको? आप अभी बता रहे थे ना कि मैं बनारस जाता हूँ, यमुना जी को साफ कर दिया क्या आपने? बिल्कुल सुबेर घाट जाता हूँ। नहीं साफ कर दिया आपने? बिल्कुल किलोमीटर गंगा साफ हुई, एजेंडे से ही साफ कर दिया गंगा जी ने यमुना जी को एकदम। 42 गंदगी का ढेर लगा है यमुना जी पे, आपको शर्म आनी चाहिए। यमुना जी का क्या हाल है दिल्ली में, दिल्ली वासियों के लिए क्या हाल है? अरे हमको शर्म, हम तो पत्रकार शर्म हमको हमेशा आती है, आप लोग करतूते देख करके शर्म तो आती है हमको, रोक कर कह सकते हैं? संविधान में कोई हमको ऐसा अधिकार भी नहीं दिया गया कि जिससे हम कुछ कर सकते हो, खाली शर्मा सकते हैं देख करके कि सत्ता देश की जनता के साथ क्या कर रही है। ये खाली शर्म की बात है, शर्मा के हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, शर्माते ही है खाली के ऊपर कि आप देश के राजनेता है, जनता के साथ क्या कर रहे हैं? गंगा जमुना तरह हो गया, बाकी मेहमान आती है देख करके, हो गया भाई, देख देख हो गया भाई, हो गया प्रिंसिपल भाई, हो गया। आप भाजपा के दलाल हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, दलाल है क्या? बिल्कुल दलाल है, ये बात है भाई। नहीं नहीं ये कह रहे हैं हम बात है, ये बहुत गंदगी करने के लिए देश अंदर प्राण देते हैं। अरे बताइए जी, आप कभी बता सकते हैं दलाल बोलेंगे आप लोग? ये दलाल बोले जो बोले इनके लिए ठीक है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में ये साफ हो गए और फिर चुनाव में साफ हो जाएंगे। इनके कृत्यों से हम लोग शर्म आ ही रही, लेकिन करे क्या हम लोग? दलाली का काम न कीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं 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 बिल्कुल तुम्हारी आवाज जो दलाल साफ हो गए आप, क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूंछ का प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। इसके बाद तमाम सारे मालवाहक जो है क्रूज इस तरीके के उतारे जाएंगे और छोटे क्रूज भी उतारे जाएंगे। ये एक पहला प्रोजेक्ट है कि नदियों के द्वारा पूरे देश के अंदर इस प्रकार की यात्रा लोगों को कराई जा रही है, और अभी इसके बाद में सरकारों के प्रोजेक्ट आएंगे। तो ये शुरुआत है, अगर शुरुआत में इतनी बड़ी सफलता मिल रही है, एक साल के लिए क्रूज पूरा बुक हो गया है, और देखिए किराया होने के बाद, इतना महंगा किराया होने के बाद, साथ ही साथ क्या है, जहां जहां पे क्रूज रुकेगा, जिन जिन प्रदेशों के जिन जिन तटों पे ये क्रूज रुकेगा, वहां वहां पे यात्री उतरेंगे, आसपास की जगहों का दर्शन करेंगे, चीजों को देखेंगे, चीजों को खरीदेंगे, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं, देखिए जब जब उपभोक्ता पैसा खर्च करता है तभी लोगों को लाभ मिलता है, और यहाँ पर जो यात्री है तीर्थ यात्री के रूप में है, सांस्कृतिक यात्री के रूप में है, वो पैसा खर्च करेंगे जिन जिन तटों पर रुकेंगे, तो प्रदेश और देश का विकास होगा, और इसमें तमाम क्या मतलब है भाई, बारी बारी सर ये बताइए जोकर लोग सर्कस चल रही है, सर्कस देखने लोग आएंगे। अच्छा चल ठीक है जगह भाई, सिन्हा साहब कुछ बोलना चाह रहे थे आप जी? मैं बोलना ही चाह रहा था कि डिबेट में बात हुई थी विलास गंगा विलास की, अब बात होने लगी कि नशेरी पार्टी से लेकर प्रधानमंत्री जी की मुकाले तक पहुंच गई जी। तो पहली बात तो व्यवस्था बनी है, शब्दावली हो चुकी है, हमको लगता है कि अब ये सब ये भद्दी भाषा का उपयोग करना है, संवैधानिक भाषा बना देनी चाहिए, खूब मन चीप खोल के बोलिए एक दूसरे को और ठंडे हो जाइए। सिन्हा जी इसीलिए प्रधानमंत्री बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर ये लोग सही सुनील जी सुनील जी, अच्छा बात यह है कि जैसे मोदी जी आए थे, जैन साहब मैं कह रहा हूँ, मोदी जी आए थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, अखिलेश जी को भी बुला लेते, काहे नहीं बुलाया आपने? आप उनको बुला लेते, बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे अखिलेश जी आप जब चाय नहीं पी रहे हैं वहाँ जाएंगे, वो तो ठीक है, वो चाय पी रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं, सुनिए जी बात समझिए, ये तो पक्षपात कर रहे हैं बीजेपी वाले, साफ साफ मैं मुंह पे कह रहा हूँ, ये गलत बात है, वो नहीं सुनिए जी। जब अखिलेश यादव जी ने सवाल खड़ा किया, सीधे सीधे सवाल खड़ा किया कि जो पिलग्रिम्स हो रहे हैं, जो तीर्थ यात्राएं हो रही है, उससे पैसा कमा रहे हैं, ये गलत बात, जैन साहब पल्ला झाड़ रहे हैं आप चीजें कहां से? जैन साहब पल्ला झाड़, अगर सवाल हम करें तो हमें बुलाएंगे नहीं? पल्ला झाड़ने ये कौन सी बात है? ये बुलाना चाहिए ना, बुलाना चाहिए। ये बातें कहां से आ गई जी? नहीं वही तो मैं कहां से आ गई, वही कह रहा हूँ, पैसा वसूल ले। अरे आप देश की, ये तो मैंने पहले ही कहा, पैसा जैन साहब पैसा वसूलने बात मुख्य मुद्दे से हट रहे हैं। नहीं मुख्य उद्देश्य ये है, इस गंगा विलास यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है
कि भारत की संस्कृति को वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, वो तुम पहले ही कह रहे हो, वो बात ठीक है, वो तो ठीक है, जो लोग चले गए बाहर वो भारतीय संस्कृति को जाने। और एक चीज है कि ये अभी पहला प्रोजेक्ट है इस तरीके के तमाम सारे। अच्छा जैन साहब एक बात है, आप बार बार कह रहे हैं भारतीय संस्कृति को जाने, नहीं गौरव जी एक एक 30 सेकंड होते दिए, 30 सेकंड होते दिए, बात हम गंगा विलास का विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी चीज बनी है, ऐसी चीज बनी है, उससे बिल्कुल सस्ता माल लोगों को उपलब्ध होगा। और अभी ये प्रोजेक्ट और एक चीज, इस प्रोजेक्ट की सफलता देखिए, गौरव जी प्रश्न पूछ लेने दीजिए, यहाँ पर छोटी सफलता है क्या? अच्छा नितिन भाई कुछ गौरव जी पूछ लेने के बाद महत्वपूर्ण सवाल है जनता के लिए, पूरा की पूरा बुक हो जा रहा है, छोटी जल्दी से पूछ लेने दीजिए, कई सारे प्रोजेक्ट और उतारे जाएंगे और हर चीज को, हर चीज को कैसे भाई, मेरा एक सवाल है जरा सुन लीजिए, बोलिए, हर चीज को आप गरीबी और अमीर की खाई, ये मैं पूछ रहा हूँ कि जितने ऐसी कारें बिक रही है, बोले बोले। तो आप कैसे भाई सुन लो, कोई शोरूम नहीं होगा, कारों के सारे, अरे सुन ले भाई, बोलते रहो मैं क्या खत्म कर दीजिए आप, और जो एंड्रॉइड मोबाइल हो गया भाई, हो गया, आखिरी एप्पल कंपनी को ऑफर कर दीजिए, किसी भी एप्पल कंपनी एक एक लाख बोला जा रहा है, बेचिए गरीब आदमी कहां से, हो गया हो गया, अरे कितना यार मैं चिल्लाते हो तुम भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ जितनी तारीफ कर रहे हैं इसकी, इसी तरीके से नवंबर 18 में एक क्रूज और आया था, ठीक, हल्दिया से बनारस, ठीक, मालवाहक क्रूज था जी। मैं पूछता हूँ कि वो एक बार आने के बाद कहाँ चला गया, कितने व्यापारियों का माल लेके गया था और कहाँ है आज, क्या उसके बारे में बता पाएंगे? ये जितनी प्रशंसा आज कर रहे हैं उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसको भी हरियाली दिखाई थी, हल्दिया से बनारस, बनारस से हल्दिया 18 में एक बार झंडी दिखाने के बाद कहां है वो मालवाहक क्रूज और कितने बार चला था, अब है कहीं? इसीलिए आज इसकी हरी झंडी हो गई, डिब्रूगढ़ जाएगा, वापस आएगा, कितने लोगों को ले जाएगा, इस पर अभी बहुत प्रसन्न है, इस पर अपने गाल मत बजाओ, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया, धन्यवाद उनको दे दीजिए, लास्ट ट्रेन चला पाएंगे, अंतरा रिवर लग्जरी रिवर कंपनी को चला पाएगी तो चलाएगी, नहीं चला पाएगी तो झुक जाएगी, आप इसका कोई क्रेडिट मत लो, जन कल्याण में कुछ काम करो, और अगर जानकारी हो तो बता दो, वो संघर्ष हो गया। आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बात थी गंगा विलास क्रूज की, ऐतिहासिक क्रूज, ऐतिहासिक क्षण और 5 सितारा व्यवस्थाओं के साथ आप 5 राज्यों में 27 नदियों के साथ बांग्लादेश के तमाम स्थलियों को देख सकते हैं, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारत का प्राकृतिक सौंदर्य भी देख सकेंगे, जो भारत की धरोहर है वो देख सकेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ रोजगार का अवसर भी सजन होंगे और विदेशी मुद्रा का यहाँ पर आना भी होगा। खैर कोई भी काम होता है तो उस पर विपक्ष का आरोप तो यहाँ होना ही होना है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो वहाँ पर अगर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी साझेदार हो जाए, विपक्ष की भी वहाँ भूमिका रहे और विपक्ष की भी वहाँ पर उपस्थिति रहे तो शायद कुछ बेहतर संकल्प भी देखने को मिलेंगे। केवल और केवल आने वाले समय में जिस तरह हम देख रहे हैं तमाम तरह के प्रोजेक्ट लाए जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि और विकास की नई नई इबारतें लिखी जाएंगी, पर उसके साथ साथ यहाँ पर जरूरी ये भी है कि इबारतों में आम जनता को कितना लाभ मिलेगा। खैर ये जो क्रूज है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ है और निश्चित रूप से जो किराया है उसके लिए शायद मध्यम वर्ग के लिए इतना आसान नहीं है उस क्रूज पर यात्रा करना। 51 दिन का सफर है और लगभग 12.5 लाख की कीमत है 51 दिन के सफर की। खैर आने वाले समय में और तमाम तरह के प्रोजेक्ट आएंगे और तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रदेश में चलती रहेंगी, पर साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि जनता के लिए और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। अगर शायद कुछ काम अच्छे अस्पतालों पर, सड़कों पर और अन्य व्यवस्थाओं पर भी बेहतर हो तो शायद तस्वीर कुछ बदलेगी। यहाँ पर मैं किसी भी सरकार के काम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, पर मेरा कहना है अगर समीक्षा के साथ उसमें कुछ बदलाव होते रहे तो शायद कुछ अलग तस्वीर हमको देखने मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और निश्चित रूप से यहाँ पर विकास की इबारत लिखना इतना आसान नहीं है। खैर योगी सरकार लगी हुई है और मुख्यमंत्री स्वयं आगे बढ़कर तमाम चीज़ों का नेतृत्व कर रहे हैं, पर यहाँ पर विपक्ष की भी भूमिका है, अगर अच्छाई है तो समर्थन करिए और बुराई है तो विरोध करिए, पर केवल डिबेट पर नहीं सड़कों पर भी, तभी तस्वीर बदलेगी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।